तो फिर वो मुझे कैसे पहनेगा? टोपी देख, मुझे अच्छा लगता है आपका बोलने, मैं भी बैठे देखता हूँ, लेकिन मन में लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरे से ज्यादा शिवानी जी को प्यार करते हैं। सोम भाई से बहुत पुराना रिश्ता है हम लोगों का। शुरू शुरू में जब हम मेडिटेशन में थे तब से मैं तो विपश्यना मेडिटेशन के लिए जाया करता था। मैं विपश्यना में ज्यादा डूबा हुआ था। मनीष भाई विपश्यना भी करते थे और जीवन विद्या भी करते थे, और वो आके बताया करते थे कि किस तरह से जीवन विद्या से उनको काफी फायदा हो रहा है। मुझे कभी मौका नहीं मिला लेकिन मैं आऊंगा तो मैं अपने जीवन विद्या करने के लिए। सो आज इन दोनों महान लोगों को मैं पहले दिल से स्वागत करता हूँ आज के कार्यक्रम में। हमें हैप्पीनेस क्लासेस चलाते हुए 4 साल हो गए। आज उसी की एक तरह से हम उसी मौके के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। जैसे मनीष जी ने बताया कि हमारी जो दिल्ली के अंदर शिक्षा क्रांति की जो यात्रा है उसके मोटे मोटे तौर पर 3 चरण हैं। शुरू शुरू में जब हमारी सरकार बनी थी, जैसे पूरे देश भर में सरकारी स्कूलों का बहुत बुरा हाल था, एक तो टीचर भी नहीं था, पढ़ने का माहौल भी नहीं था, रिजल्ट भी नहीं आते थे। मेरे को अभी भी याद है सरकारी स्कूल के बच्चे छोटे बच्चे का एक वाक्य था, जब उससे पूछा गया कि बच्चे तो देश का भविष्य होते हैं, तो उसने कहा कि वो तो प्राइवेट स्कूल वाले बच्चे होते हैं, हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, हम देश का भविष्य नहीं है। ये बड़ा मार्मिक सेंटेंस था। और उसी बच्चे का 5 साल के बाद स्टेटमेंट हमने देखा जब बच्चे कह रहा था कि अब हम ही देश का भविष्य है, सरकारी स्कूल के बच्चे भी देश का भविष्य। तो सबसे पहले हम लोगों ने अपनी यात्रा में इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, बिल्डिंग छूटी हुई थी, टॉयलेट नहीं थे, पीने का पानी नहीं था, सफाई नहीं थी, सिक्योरिटी नहीं थी, कुछ नहीं था। बिल्डिंग अच्छी बनाई, सिक्योरिटी ठीक थी, पीने का पानी का इंतजाम किया।